तो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो रहेगी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि चैनल की रीच हो रखी है 1.5, तो आपका लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो प्लीज़ ये चीज़ जरूर कर देना। वीडियो की शुरुआत करते हैं एजाज खान की न्यूज़ के साथ। तो एजाज खान ने अपने इंस्टा पर एक रील डाली है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि रजत दलाल और एलविश यादव दोनों ने सॉरी बोल दिया है, एंड उनके अकॉर्डिंग कि एलविश ने भी उन्हें कहा है कि आप बड़े भाई हैं और मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, और साथ ही रजत ने भी सॉरी बोलते हुए कहा है कि वो उनसे कोई लड़ाई वगैरह नहीं करना चाहते। अब ये सच है या झूठ मुझे तो नहीं पता, लेकिन एजाज की स्टोरी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यारो, वो रजत दलाल ने तो माफी मांग ली है, उसने भी सॉरी बोला है, बोले एजाज भाई तुम मेरे बड़े भाई हो, और एलविस यादव ने भी माफी मांगी है माशाल्लाह, और बोला है भाई तुम मेरे बड़े भाई हो, और बंबई में हम मिलेंगे तो बोले वीडियो भी बना लेंगे। तो मैं बोला तेरे फैन लोग को जरा समझा दे कि गाली गलौज ज्यादा कर रहे, उस चक्कर में तू तकलीफ में आ जाएगा। तो बोला सही बात है भाई, लेकिन मैंने थोड़ी कुछ बोला आपको, मेरे फैन लोग बोल रहे हैं ना। तो इसका फैसला हो गया, बाकी बचा वो चोको चूसिया, उसका इंतजार कर रहे, 2 हफ्ते लिए उसने, बॉडी बॉडी बनाएगा, थोड़ा वर्कआउट वर्कआउट करेगा, नहीं आ जाओ रे सब। और बाकी जो यूट्यूबर है जबरदस्ती चलती गाड़ी में चढ़ रहे हो, बेटा तुम्हारा नाम लिखा जा रहा है बकायदा बोर्ड पे, और तुमको भी लाया जाएगा, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का सुबह पे स्वाद रखना। अगर ये एजाज खान वाला मैटर जल्दी से खत्म नहीं हुआ तो एजाज खान की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। पुनीत सुपरस्टार, जो कि ऑलरेडी इस मैटर के अंदर कूद चुके हैं, उन्होंने भी सेम चीज़ कही है कि अगर ये चीज़ बंद नहीं हुई तो जो वो खुद मुंबई जाएंगे एंड उनके ऊपर पुलिस केस करके आएंगे, FIR उनके ऊपर लॉन्च करा करके आएंगे, वो मुंबई पुलिस से बात करेंगे, अगर CM के पास जाना पड़ा तो CM के पास भी जाएंगे। ये पूरे दिन भर एजाज खान आके लोगों की माँ बहनों को गालियां दे रहा है, इन्फ्लुएंसरों को गालियां दे रहा है, यूट्यूबरों को गालियां दे रहा है। अब दो कौड़ी के इन्फ्लुएंसरों, सालों डरते हो कैसे, चूड़ियां पहन रखी हैं क्या तुम लोगों ने? अबे कंप्लेंट मारो ना इसकी, कंप्लेंट क्यों नहीं करते? बेटा एजाज खान मेरी बात सुन, अगर अब की बार तूने किसी भी इन्फ्लुएंसर को माँ बहन की गालियां दी ना, मैं आऊंगा मुंबई, मैं तेरी कंप्लेंट मारूंगा, मुख्यमंत्री तक जाऊंगा, ध्यान रखियो, मुंबई पुलिस तक जाऊंगा अगर अब की बार तेरा वीडियो आ गया तो, ध्यान रखियो। इसी मैटर के बारे में अगर आगे बात करें तो एजाज खान ने वापस से रिप्लाई दिया है राजवी सिसोदिया को। अब रिलीजन वाला जो कार्ड है वो भी इस पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर एड ऑन हो चुका है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि राजवीर ने पूरब का सपोर्ट किया था जब एजाज ने उनको और उनकी मोम को अब्यूज वगैरह किया था, तो इसी चीज़ के बारे में एजाज खान ने बात करी। एजाज खान ने क्या कहा आप खुद चेकआउट कर लीजिए। और तू कुरान और इस्लाम मेरे को मत सिखा, समझा ना, किसी यूट्यूबर ने तेरी माँ को गाली, अबे तुम यूट्यूबर लोगों ने ना ये गाली गलौज मैं पहले कभी नहीं किया रे, ये तुम लोग के लिए कर रहा हूँ, तुम लोग लोगों की माँ बहन ये चूसो वो करो ऐसा करो वैसा करो, गंदगी तुम लोग ही फैलाए रे, और तू सबसे बड़ा हरियाणा का भिखारी भोसड़ी के, ठाकुर लोग का तो नाम ही मत लेना तू, ठाकुर मेरे बहुत दोस्त तेरे, उन लोग तेरे को चोर बोलते, गठिए साले, नकली सप्लीमेंट बेचने वाले, नकली प्रोटीन बेचने वाले, गांडू भिखारी, प्रोटीन के पैसे नहीं है, 5 स्टार में रहेगा तू, साले अंगूठी बेचूंगा ना तेरा घर आ जाएगा चूतिए। अरे पूरब जा, तेरी माँ को मैं इसलिए बोला ना क्योंकि तू बहुत लोगों की मजाक उड़ा रहा है, बहुत लोगों की माँ बहन उछाल रहा है इंटरनेट की चीज इंटरनेट पे, फिर डॉली का क्या करे तूने बोला मेरा चूसो ये करो वो करो, हाँ भड़वे साले बच्चा बन के चुतिया बना रहा पब्लिक को। इसी चीज़ के बारे में बात करते हुए राजवीर सिसोदिया ने कहा कि कुछ लोगों ने कह रहे हैं कि एलविश यादव और रजत दलाल ने माफ़ी मांग ली है तो तू भी माफ़ी मांग ले और मैटर को ख़त्म कर दे, तो मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, बल्कि उस जैसे इंसान से माफ़ी मांगने से बेटर वो मरना पसंद करेंगे। तो भाई अभी 2-4 चिलांडू हो गए मुझे मैसेज आ रहे कि भाई एलविश भाई ने और रजत भाई ने माफ़ी मांग ली है, तू भी मांग के छुट्टी कर। तो भाई अगर ऐसे चिलांडुओं से माफ़ी मांग के इनसे दबके जीवन जीना पड़ा ना, उससे बढ़िया मौत है मेरे लिए, मेरा मांगे मुँह तो माफ़ी, ठीक है। और एक वीडियो में ये भी चिलांडू कह रहा कि 2 हफ्ते लेगा आने में, बॉडी बॉडी बना रहा भाई, तेरे जैसे मच्छरों को मारने के लिए, मिलने के लिए, तेरी थूत मांझने के लिए मुझे बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं 1 हफ्ते की फास्टिंग करके भूखा पेट रह के जब भी तेरा मुंह पीट सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 2 हफ्ते की जरूरत नहीं है मुझे, मैंने बता दिया कि 2 से 3 दिन की बात मैंने करी, इसी हफ्ते के अंदर आऊँगा मिलूंगा, ठीक है। और जितने चिलांडू मैसेज कर रहे हैं इसके छोटे मोटे चिल्ली मिल्ली आंड, भाई अगर तुम्हारे बाप में इतना ही दम है जो तुम मुझे मैसेज कर रहे हो कमेंट कर रहे हो कि भाई तुझ में दम नहीं है जाने का, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे सरदार में और तुम में इतना दम है तो तुम आ जाओ, तुम्हारे सरदार ने बात भी नहीं करी एक बार, और वो बात कर भी नहीं सकता, इतनी औकात नहीं उसकी कि वो ये कहते मैं UP आ रहा हूँ, ठीक है,
कम से कम बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। इतने फ्री नहीं है, बेरोजगार नहीं है तुम्हारे इस चिलांडू सरदार की तरह की कोई काम धंधा नहीं है, सीधे किसी ने कुछ कहा सीधे भाग लेंगे स्टेट टू स्टेट, ठीक है। आएंगे बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 100% आएंगे, ठाकुर साहब की जुबान है, ओके। पूर्व झा ने भी इस पूरी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड ही शायद एक स्टोरी अपने इंस्टा पर पोस्ट की, जहां पर वो कहते हैं भगवान सबको तरक्की दे, मेहनत करते रहो दोस्तों। हालांकि उन्हें डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली वो इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि वो अपने काम पर फोकस करने। एंड इस पूरे लफड़े में एक और मज़ेदार चीज़ ये हुई कि रजत दलाल ने अपने इंस्टा पर स्टोरी डाल करके बताया कि एलविश यादव ने या रजत ने दोनों में से किसी ने भी एजाज से माफ़ी नहीं मांगी है, बल्कि वो उसे कोई अटेंशन नहीं देना चाह रहे हैं। तो ऐसा देखने में लग रहा है कि एजाज खान झूठ बोल रहे हैं। भाई मेरा कॉलिंग नंबर ना ऑफ था सुबह से, क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा था फ्लाइटों में। तो अभी दरअसल मैंने देखा है कुछ सॉरी वॉरी का अगर चक्कर बता रखे हमने कुछ सॉरी वॉरी बोली है, तो देखो एक आदमी लेना चाह रहा है खाली अटेंशन, और हम फिलहाल उसे दे नहीं रहे, तो वो नए नए तरीके अपना रहा है कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ कि थोड़ी अटेंशन मिले, जो कि हम नहीं देने वाले। उसको सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बॉक ने तो 4-5 दिन बॉक के बंद हो जाएगा, इग्नोर करो।